फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, यहाँ पे ना हमारी गाड़ी ख़राब गर्म हो गई और कुछ मसला हो गया था इसमें, बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई थी। मेरे फ्रेंड्स साइड पर हम लोग खड़े रहे कि शायद ठंड थोड़ी देर इसको ठीक हो जाए, लेकिन नहीं। फिर हमने रिकवरी वालों को कॉल की, इससे पहले हमारे साथ इसे क्या कहते हैं मोटरवे वाले भी फिर आ गए, मतलब रिकवरी वाले आए, नज़र लग गई। हां, तो इसकी तो बना रही हुई है। और फिर हमारी गाड़ी को ट्रक के ऊपर है, उसको भी लेके आना, सवर की बैग करके आए, साथ में तो लेके हम भी फिर उसी में बैठ के। हाँ, बड़ा थोड़ा हमारे लिए मुश्किल, लेकिन अच्छा था, एडवेंचर ही था हमारे लिए। लेकिन फिर इनको जानते हैं नहीं, फिर हमने इसे क्या कहते हैं रिकवरी वालों को बुलाया, मोटरवे रिकवरी, उन्होंने हमारी हेल्प की और हम हमने जहाँ जाना था या जिस जगह जाना था पहुँचे। चेकिंग किया, देखें गाड़ी की चेकिंग हुई है, पहले सारा उन्होंने चेक किया, देन फिर हमने अपना सारा सामान दोबारा रखा और ये भी रखा। साइड में देखें, अब कर रहे हैं इसे क्या कहते हैं उसको चैन डाल रहे हैं और ऊपर ट्रक पे लेके जाएंगे, और हम भी इसमें बैठ गए। हमें बड़ा डर लगा, सारी फ्रेंड्स थी, मतलब हमने कहा कहीं गाड़ी ना हमारी गिर जाए और हम गिरे गए नीचे। लेकिन अल्लाह के शुक्र है, खैर खैरियत से हम लोग अपने स्टेशन पे पहुंच गए थे जहाँ हमने जाना था। तो बहुत गर्म था, खैर खैरियत से हम लोग पहुँच गए। अच्छा रहा सफ़र, बहुत अच्छा था। माई यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और बताइएगा कैसे मेरे ज़्यादातर ट्रैवलिंग के खाने घर के भी दिखाती हूँ, लेकिन मोस्टिंग ऐसे ही होते हैं कि मैं पूरी वीडियो नहीं बना सकती, तो टाइम ही नहीं होता मेरे पास एक एक काम वीडियो बनाऊँ, ट्रैवल एंड अपलोड करूँ, तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं शॉर्ट ही बनाऊँ और अपलोड कर दूँ, मतलब कम ही होती है मेरी। ज़्यादातर अगर बाहर जाऊँ तो फिर वो वाली वीडियो में बना लेती हूँ और वही अपलोड कर देती हूँ। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे होंगे, और अच्छे नहीं भी लग रहे तो प्लीज़ बर्दाश्त कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी ब्लॉग में मिलूँगी, जिंदगी रही तो ओके, अल्लाह हाफिज़। ये देखो जी, हाँ अच्छा मैंने पहले ही अलाव कह दी, ये देखें हम अब ऊपर वाली मंजिल में पहुँच गए हैं, और बड़ा हमारे लिए ये इन्जॉयमेंट वाला टाइम।